फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मंटू एस कार्तिक में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, मैं आप लोग आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी जियो का सिम हो या किसी के पास भी, अगर आपको पता लगाना है कि वो सिम किसके नाम से है और आप चाह रहे हैं कि बिना कहीं गए, बिना कस्टमर केयर में फ़ोन लगाए और जियो स्टोर पर गए बिना आप अपने सेल फ़ोन की मदद से चाह रहे हैं पता करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है माई जियो ऐप्स। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सिंपली टाइप करना होगा माई जियो ऐप्स को सिंपली आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। चलिए, मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन होने के बाद आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको सिंपली आपको फिलअप कर लेना होगा। चलिए, मैं यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, फिर से अलाउ मांग रहा है अलाउ कर देना, फिर से अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, जितना बार अलाउ का ऑप्शन आएगा आप सिंपली आपको अलाउ वाले पर क्लिक करते जाना है। और आप देख रहे हैं ऊपर के साइड में लिखा है कि इंटर मोबाइल नंबर, आप जिस भी नंबर का पता लगाना चाहते हैं वो सिम किसके नाम से, तो सिंपली वो नंबर यहाँ पे टाइप कर देना होगा आपको। चलिए, मैं यहाँ से अपना नंबर टाइप कर दिया हूँ और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको एक बार टाइप कर देना होगा। और देख लीजिए, मेरा यहाँ से ऑटोमेटिक मेरा ओटीपी फिल हो चुका है और मैं फाइनली माई जियो में लॉगिन हो चुका हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने माई जियो में लॉगिन हो जाइएगा, जिस नंबर का पता करना होगा वो सिम किसके नाम से है। लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर थ्री डॉट का जो निशान है सिंपली आपको उस पर एक बार टाइप कर देना होगा। और देख लीजिए, सबसे ऊपर जिनके भी आइडेंटिटी प्रूफ से वो सिम होगा उनका नाम ऊपर दिखाई दे देगा। तो जी सब, चलिए मेरा नाम सिम है मंटू कुमार, ऊपर ही दिखा दे रहा है। और आपको पता करना है उनका एड्रेस, पूरा पता करना है बायोडाटा कि उनके एड्रेस में क्या क्या था, तो सिंपली आपको उस पर एक बार टाइप कर देना होगा। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया है लेफ्ट साइड में एडिट फॉर फाइल के ऊपर सिंपली आपको एक बार टाइप कर देना होगा। और जिनका भी आइडेंटिटी कार्ड से सिम कार्ड रहेगा उनका डेट ऑफ बर्थ कितना है वो सबसे ऊपर दिखाई दे देगा। और न्यू सिम लेते वक्त आपको एक अल्टरनेट नंबर दिया जाता है, आप सिंपली जो नंबर देते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब आप न्यू सिम लेते हैं उस समय एक अल्टरनेट नंबर आपसे वो रिटेलर लेता है, वही नंबर यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अगर आपका रिटेलर नंबर मैच करता है या नहीं मैच करता है, अगर ऐसा भी होता है कि न्यू सिम लेते समय अगर आपके पास कोई अदर नंबर नहीं होता तो किसी का भी अदर नंबर डालकर ओटीपी के लिए दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप नहीं चले जाइएगा, देखिएगा परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन जो दिया है उसमें देखिएगा, आपका सारा बायोडाटा दिखाई दे देगा जिनके नाम से होगा उनका। तो इसी तरह आप अपने जियो के नंबर का पता कर सकते हो सिम किसके नाम से है। जी हाँ दोस्तों, तो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही न्यू लेटेस्ट वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ।